नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, वेरी 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 गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। तो बच्चा, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपडेट आ रही है। बट ये जो जॉब अपडेट आ रही है वो आ रही है फॉर द इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स ओनली फ्रॉम गुजरात। तो यहाँ पे आप लोगों के पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आ रही है, मतलब यहाँ पे आई है वैकेंसी DGVCL, जिसको अपन लोग बोलते हैं दक्षिण गुजरात विज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, MGVCL मध्य गुजरात, UGVCL उत्तर गुजरात, PGVCL पश्चिम गुजरात और गेटको गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे विद्युत सहायक मतलब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आ रही है जो DGVCL के अंतर्गत है, बट आप लोगों के सारे यू कैन से डिपार्टमेंट्स में सब्सिडरी कंपनीज में वैकेंसीज है। ओके, सारे सब्सिडरीज में वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट नेम है सर विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जहाँ पे आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया फुल टाइम BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रेगुलर मोड में होना चाहिए, प्लस आप लोगों का 55% होना चाहिए इन द सेवंथ एंड एट्थ सेमेस्टर फाइनल ईयर विदाउट ATKT, एंड आप लोगों को रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जब आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान प्रोबेशन पे रखा जाएगा तो फर्स्ट ईयर आप लोगों का फिक्स्ड रेम्युनरेशन रहेगा 48,100, सेकेंड ईयर आप लोगों का रेम्युनरेशन रहेगा 50,700। नो अदर अलाउंस एंड बेनिफिट्स वुड बी एडमिसेबल इन द टाइम ऑफ यू कैन से आप लोगों का प्रोबेशन। उसके बाद आप लोगों के 2 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद यू विल बी पोस्टेड एज अ विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर एंड योर पे स्केल विल बी 45,400 to 1,01,200 subjected to your satisfactory completion of 2 years as a vidyut sahayak. यहाँ पे आप लोगों का जो skills मांगा गया है, candidate should possess the knowledge of computer operation and good command over English and Gujarati languages required. ठीक है सर। उसके बाद age criteria है आप लोगों के unreserved category के लिए 35 years, EWS के लिए 40 years, and बच्चा आप लोगों को government rules के हिसाब से इसके ऊपर age relaxation मिल जाएगा। तो टोटल 394 वैकेंसीज है। अगर अपन लोग ध्यान से देखें तो 394 में से 207 वैकेंसीज है गेटको में, 78 वैकेंसी है DGVCL में, 28 वैकेंसीज है MGVCL में, 28 वैकेंसी है UGVCL में एंड 53 वैकेंसी है आप लोगों के PGVCL में। बच्चा ये वैकेंसीज के नंबर तो आप लोगों को पता चल गए, तो आप लोगों को इसी हिसाब से देखना है कि आप लोग कहाँ से अप्लाई करना चाहते हो, कहाँ से और कैसे अप्लाई करना चाहते हो वो आप लोगों को देख लेना चाहिए। यहाँ पे जैसे बात करें सर, आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है इट इज 500 रुपीज फॉर UR SEBC एंड EWS कैंडिडेट्स एंड 250 रुपीज फॉर SC ST कैंडिडेट्स। बच्चा उसके बाद आप लोगों का फॉर्म फिलअप होना चालू हो चुका है, 12th of March को ही चालू हो गया एंड लास्ट डेट इज 1st of April रात को 12 बजे तक। ये आप लोगों की लिंक है www.dgvcl.com, यहाँ से आप लोगों को अप्लाई करना है। ओके बच्चा, कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स के बारे में बात कर लें। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है सर, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली इफ दे आर फुलफिलिंग द रिक्विजिट क्राइटेरिया एंड विलिंग टू वर्क फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 2 years एज विद्युत सहायक। सिंस वी आर नॉट सीकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, द कैंडिडेट हैज टू doubly ensure that he she fulfills all the requisite criteria, all the original documents of the selected candidate shall be verified at appropriate stage, and aap logo ko wahan pe fir agar aap logo ke documents sahi nahi rahe to aap logo ke application reject ho sakte. Samajh mein aaya? Yahan pe final year wale nahi apply kar sakte ya aisa abhi to kuch nahi dikh raha. Uske baad sir yahan pe aap logo ko sabse pehle ye yaad rakhna hai, मिनिमम 85% रिप्रेजेंटेशन इन सिलेक्शन विल बी फॉर द लोकल रेजिडेंस ऑफ गुजरात, कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट द वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग द रेजिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट। समझ में आया? तो आप लोगों के पास डोमिसाइल तब का होना चाहिए। उसके बाद सर आप लोगों का सिलेक्शन किस तरीके से होगा, आप लोगों का टायर वन एग्जामिनेशन रहेगा। ओके, फर्स्ट टायर एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स, सेंटर्स ऑल ओवर द गुजरात रखे जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा 100 मार्क्स, एंड कैंडिडेट्स हु स्कोर मोर देन 50 मार्क्स इन केस ऑफ अनरिजर्व्ड एंड 45 इन केस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी वो वहां पे 1:5 के रेशियो में आगे लिए जाएंगे। दैट मीन्स 5 टाइम्स द टोटल वैकेंसी। तो अगर 394 वैकेंसी से 400 पकड़ ले तो 2000 के आसपास कैंडिडेट्स आप लोगों के सेकेंड स्टेज में जाने वाले, सेकेंड टायर ऑफ एग्जामिनेशन में जाने वाले। सर सेकेंड टायर एग्जामिनेशन में कैंडिडेट स्कोरिंग 50 एंड अबो मार्क्स
इन केस ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट्स एंड 45 एंड अबो मार्क्स इन केस ऑफ रिजर्व कैंडिडेट्स, वो यहाँ पे रहेंगे। मतलब आप लोगों को 1:5 रेशियो में भी आना है, और ये तो करना ही है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा सबसे पहले। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड टायर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑब्वियसली इन्वॉल्व, आप लोगों का 100 मार्क्स करेगा सीबीटी, ओके, एंड ऑल ओवर द गुजरात इसको भी रखा जाएगा। तो सिलेबस की थोड़ी बात कर लें सर, आप लोगों का जो टायर वन का पेपर है वो है रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, 25 मार्क्स रीजनिंग, 25 मार्क्स क्वांट, 15 मार्क्स रीजनिंग, एंड उसके अलावा आप लोगों का गुजराती है। गुजराती कितने मार्क्स का है सर, गुजराती 15 मार्क्स का है, ओके, एंड कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आप लोग ये कह सकते हैं 20 मार्क्स का, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा सेकेंड टायर जो आप लोगों का रहेगा दैट विल बी प्योरली टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टॉपिक्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, समझ में आया? ओके बच्चा, आई थिंक ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों का टायर वन का रिजल्ट आने के बाद ही आप लोग टायर टू के लिए ऑब्वियसली अपीयर हो पाएंगे। तो सर यहाँ पे तो सब ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे आप लोगों का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों के रेडी होने चाहिए, व्हेन योर यू कैन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी देयर। तो बच्चा उसमें डोमिसाइल के बारे में भी लिखा हुआ है, देखो ये आप लोगों का तो स्कूल एलसी मार्कशीट्स ये सब चीजें होगी, समझ में आया? यहाँ पे ये देखिए, ये मैं जैसे बता रहा था डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो बच्चा लोग अगर आप लोग गुजरात से हो और आप लोग यहाँ पे ऑब्वियसली इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं 85% क्राइटेरिया का, तो आप लोगों को डोमिसाइल बनवा लेना चाहिए, अभी समय है, जल्दी से जल्दी डोमिसाइल बनवा लीजिए। 2-3 दिन 4 दिन में आप लोगों का डोमिसाइल बन जाए, 2-3 दिन 4 दिन में आप लोगों का डोमिसाइल बन जाएगा, नहीं तो फिर बैठे रह जाएंगे, समझ में आया बच्चे? सो आई होप इसमें आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो यू कैन कमेंट एट द एंड ऑफ द वीडियो। इसी के साथ देयर आर सम अनाउंसमेंट फॉर यू, अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है टू गेट अ फ्लैट 20% ऑफ ऑन टू द अनअकैडमी एसएससी जेईई एंड स्टेट ए सब्सक्रिप्शन। सो यू कैन यूज माई कोड वेद्य20, स्टडी विथ इंडिया टॉप एजुकेटर सिविल से प्रवीण सर, वरनराज सर, पूर्व सर, इलेक्ट्रिकल से प्रवीण सर, रविंद्र यादव सर, पवन सर, मैकेनिकल से मैं हूँ, एंड श्रेयस सर, अमित विजय सर एंड दीपाली मैम फॉर जीए जीएस पोर्शन। तो बच्चा आई वुड रिकमेंड यू, इफ यू आर टारगेटिंग एसएससी जी 2024, आरआरबी जी 2024, देन यू शुड टेक 12 मंथ सब्सक्रिप्शन विथ विच यू विल बी गेटिंग 3 months फ्री, समझ में आया? एंड इन दिस मंजिल बैच अमित विजय सर इज स्टार्टिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, योगेश सर इज सॉरी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पावर प्लांट, योगेश सर स्टार्ट करे आरएसी एंड मैन्युफैक्चरिंग, समझ में आया? तो यू कैन स्टडी विद इंडिया टॉप एजुकेटर। सो व्हाट यू गेट ऑन अनअकैडमी इज अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लास, एक्सेस टू क्लास पीडीएफ, एक्सेस टू प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज, एंड एक्सेस टू मल्टीपल एजेई एग्जामिनेशन एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ, समझ में आया बच्चा? एंड यू कैन बी द नेक्स्ट रैंकर ओवर हियर एंड अपियर इन अवर टॉपर्स लिस्ट। व्हाट यू गेट ऑन अनअकैडमी प्लस इज रेजा एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, पीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्मेट, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस इन क्लास एंड टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन दिस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स हु हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड एसएससी जेईई एंड दे आर पोस्टेड इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स लाइक सीपीडब्ल्यू डी सीडब्ल्यू सी एमईएस बीआरओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So you can be the next one over here, Vedya20 लगाइए और अनअकैडमी SSC JEE Plus पे जुड़िए। Thank you everyone. Do like the video, share it with your friends. Jai Hind, Jai Bharat and Vande Mataram.